सो वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी को स्वागत है यूट्यूब वाणी लाइव क्लास में। मैं विजय राम आप सबको स्वागत करता हूँ। डेली मैंने आज तो मंथली करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं हम लोग। मंथली करंट अफेयर्स जो कि मई मंथ का है, जो काफी हेल्प होगा आपके ए टू एग्जाम में। तो जो भी लोग जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। अभिलाष, विकी, कुंतल, सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। सो बाकी एक नाम तो उड़िया में है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपको भी स्वागत है। सो करंट अफेयर्स में हम लोग मई मंथ में देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एएसओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। उसमें भी वही क्वेश्चंस करना है जो की क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हमारे आएंगे। साउंड डिस्प्ले ओके है कि नहीं एक बार बता देंगे। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रिसेंटली लॉन्च किया है सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यस साउंड इज ओके, थैंक यू। अच्छा चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा देख के बताइएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके मिनिस्टर अभी कौन है एमएसएमई में? नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे, ठीक है, इनका नाम भी दे सकता है क्योंकि हमेशा ही न्यूज में रहे। 50-50 ज्यादातर लोग किए हैं, बट ये 50% नहीं होगा। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना है? ये है 80%। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया 50-50, वो सही है। 50% इज फॉर मीडियम एंटरप्राइज, प्लीज रिमेंबर इट इज फॉर मीडियम, बट ये क्वेश्चन यहां पे माइक्रो था, ठीक है। माइक्रो के लिए 80 होगा और मीडियम के लिए और स्मॉल के लिए 60% है फॉर द स्मॉल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यस, नारायण तातू राणे, ठीक है, टापू नहीं तातू, नारायण तातू राणे, ठीक है अभिलाष, ओके चलेगा। स्मॉल 60, माइक्रो 80, मीडियम 50। अब जैसे एमएसएमई होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो पहला वाला माइक्रो है, ये 80% है, फिर स्मॉल है, फिर 60% है, फिर मीडियम है, मीडियम 50% है, 50, बाकी तो एंटरप्राइज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। रानी क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन है माइक्रो कौन सा है, मीडियम कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। तो माइक्रो के लिए 80, मीडियम के लिए 50, स्मॉल के लिए 60, ठीक है। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। इसका नाम वेव, जो कि प्रोजेक्ट वर्ल्ड माने एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस है, वेव। ये किस बैंक का है? ये इंडियन बैंक का है, इंडियन बैंक। तो बैंकिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत जान के रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज सेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। ये कहां पे है? ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तरफ से
इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल, जिसका कॉस्ट अराउंड 17.50 करोड़ है। सो कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड, यस कोचीन। इंडियन नेवल शिप विक्रांत, जो कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, विल डिलीवर्ड इंडियन नेवी मई महीने में, क्योंकि ये मई का ही न्यूज था। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्ट किया है किस कंपनी ने, ये भी सेम होगा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड। वेरी गुड अविलास, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका कॉस्ट, जैसे कि इस बार ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 15th ऑफ अगस्त को ये न्यूज आपको सुनने को मिलेगा, 15th अगस्त 2022, जो कि 75वां सालगिरह होगा हमारा, उसी दिन ये कमीशन किया जाएगा, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ठीक है, अभी रेडी है INS विक्रांत। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है और इसका कॉस्ट है 23,000 करोड़, 23,000 करोड़। यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा एक चीज मुझे आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग प्लान किए हैं कि 6 महीने का और भी न्यूज आपको कराया जाए, यानी 1 साल कंप्लीट किया जाए। लेटेस्ट 6 मंथ्स तो जो इम्पोर्टेंट है, जनवरी टू जून हम लोग किए करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आपको जरूरत रहेगा तो जुलाई से दिसंबर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग 3 महीने का 2 सेशन और दे सकते हैं, जिसमें 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। नेम द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली बिकम सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट, PRI। ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। HDFC बार बार आपको बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, एक ही बैंक आपके एग्जाम में आ सकता है, गोवर्धन को लेके या मध्य प्रदेश या किसी भी न्यूज में HDFC रहे, लाइफ इंश्योरेंस में रहे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, रिसेंटली सिग्नेटरी यूनाइटेड नेशंस में PRI हो पाई है, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अच्छा अंतर्यामी सभी लोगों ने यस बोलना है, ठीक है जरूर हम लोग करेंगे। हम लोग एक काम करेंगे, जुलाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने जैसे कि देखिए अगस्त का पेपर है तो जुलाई तक भी देख के जाना सही होगा। ठीक है, तो जुलाई भी हम लोग करके 1-2 दिन का सेशन और दे देंगे, जिसमें हम लोग 3 मंथ्स लास्ट ईयर का भी कर लेंगे, यानी 2021 का भी 3-6 महीने कर लेंगे। ठीक है, ओके, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, ये अभी रिसेंटली मैंने प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट हो पाई है। अच्छा, मई महीने में IRDAI क्या है, अपेक्स बॉडी है इंश्योरेंस की, इंक्रीज की है इन्वेस्टमेंट लिमिट, जो कि 25% पहले था, अभी कितना हुआ है, सो 25 से बढ़ के ये 30% हो गया है, 30। सो IRDAI रेगुलेशन 2016 के हिसाब से इंक्रीज किया गया है ये लिमिट को, जो कि 30% है, पहले जो 25% था। ये किस लिए किया गया है, इस राइज को ऐसे माना जा रहा है, इट विल इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। In this sector, yes. चलिए next question में आते हैं, अंशुल स्वामी MD CEO हुए हैं एक small finance bank के, उसका नाम क्या है, शिवालिक small finance bank। ठीक है, बहुत ज़्यादा detail जरूरत नहीं है आपको जानने का, लेकिन थोड़ा बहुत जान के रखिए क्या answer होगा, शिवालिक small finance। PV सिंधु सिंगापुर ओपन के बाद अभी न्यूज में है, जैसे कि सिंगापुर ओपन भी है इनका, फिलीपींस में भी इन्होंने मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, इनका नाम आपके एग्जाम में आ रहा है किसी न किसी तरह से, या तो सिंगापुर ओपन या तो फिलीपींस
चैंपियनशिप चाहे जो हो। क्वेश्चन था, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली ओन ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो कि मनीला फिलीपींस में हुआ है, पीवी सिंधु। यस, पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर। इनका ब्रॉन्ज मेडल है अभी। अच्छा, इसी में पीवी सिंधु का वैसे पूरा नाम है पुषराला वेंकटा, साउथ इंडियन है सिंधु। मनीला फिलीपींस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथानॉल प्रोडक्शन प्लांट, ये 2022 में इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पे, जो कि अप्रैल मंथ में हुआ था, तो मई की न्यूज में है ये, तो ये रिसेंटली पाया गया है बिहार में। बिहार के कहाँ पे, पूर्णिया, पूर्णिया। अच्छा, एक जमुई लोकेशन है, जमुई, जमुई में सबसे ज्यादा अभी क्या मिला था, गोल्ड, जो कि कहाँ है, बिहार में है। बिहार जमुई में गोल्ड और पूर्णिया में इथानॉल प्रोडक्शन प्लांट, ये इसलिए दोनों न्यूज में था, ठीक है। पूर्णिया, पूर्णिमा नहीं स्मृति रंजन, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया। इसमें क्या होगा, 65,000 लीटर इथानॉल पर डे प्रोड्यूस हो सकता है, पर डे, जिसमें लगभग 150 टन मेज चाहिए होगा, 150 टन मेज और राइस एवरी डे। इससे ये लगभग 65,000 लीटर इथानॉल को प्रोड्यूस करेगा। यस, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द सिविल सर्विस कैपेसिटी। यस, स्मृति रंजन बिल्कुल सही, वर्ल्ड बैंक होगा ये। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली, वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अप्रूव किया है 47 मिलियन प्रोजेक्ट सपोर्ट देने का भारत को मिशन कर्मयोगी के लिए। ये क्या है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है टू स्ट्रेंथन द सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो कि 11 साल के लिए होगा, ग्रेस पीरियड 4.5 ईयर्स तक देखा जा सकता है। ये किस लिए मदद करेगा, स्ट्रेंथन सिविल सर्विस कैपेसिटी तो है ही है, टू हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट अचीव इट्स गोल, अचीव इट्स गोल इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज में गोल और मजबूत करने के लिए प्रोग्राम जो है कर्मयोगी, स्ट्रेंथन करने के लिए सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, जिसमें रिपोर्ट है इंडिया का रैंकिंग कितना है, टॉप किसने किया है, तो इंडिया का रैंकिंग 150 है और टॉप किया है नॉर्वे ने, और नीचे से टॉप कौन किया है, 180th कंट्री डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया ही होगा, जहां पे कोई फ्रीडम ही नहीं है, नॉर्थ कोरिया 180th पोजीशन लास्ट है, इंडिया 150 पोजीशन, लेकिन 150 में भी हम पहले लास्ट ईयर देखेंगे 142 थे, 8 रैंक नीचे आ गए हैं, ठीक है, 8 पोजीशन हम लोगों ने डाउन किया है अपना। तो ये रिपोर्ट है जिसमें फर्स्ट नॉर्वे है,
सेकेंड डेनमार्क है, थर्ड स्वीडन है, फोर्थ वैसे इस्टोनिया फिनलैंड ऐसे करके हैं, ठीक है। तो ये आपको काम आ जाएगा, नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन, 150th रैंक हमारा है, लास्ट हुआ है नॉर्थ कोरिया। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली बिकम 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ये यूनिकॉर्न हमेशा न्यूज में रह रहा है, ये ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का है, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। यूनिकॉर्न एक्चुअली एक वेंचर कैपिटल है, याद रखिएगा। यूनिकॉर्न एक्चुअली क्या है, अ प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है ये। इसका वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन का है, तो यही वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, तो आंसर डी 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 है, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ देखा गया है सबसे पहले। सो आप ही के स्टेट में है, उड़ीसा में, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। तो ये शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट माइनॉरिटीज बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा के तरफ से है, जो कि भुवनेश्वर बेस्ड हैं। सो उड़ीसा, याद रखिएगा, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी उड़ीसा में हुआ है। सेपा, CEPA, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो इसका पूरा नाम वैसे है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहां पे ई स्टैंड्स पर पूछा है, तो इकोनॉमिक होगा। ये फुल फॉर्म आप देख के जाइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है। सेप ये किसके किसके बीच में हुआ है, इंडिया UAE के बीच में, कंट्री वाइज भी पूछेगा तो इंडिया UAE के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को देखना है, सारे क्वेश्चन नहीं, फिर भी शॉर्टलिस्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप, सेबी ने सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी बनाई है, जो कि 18 मेंबर के हैं। ये आपको एक लिस्ट बना लेना है, जिसमें सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा किया, सेकेंडरी मार्केट के लिए कौन सा किया, मैंने चेयरमैन किसके किसके कौन है उनका नाम। तो जी महालिंगम है ये, जी महालिंगम, जो कि फॉर्मर फुल टाइम मेंबर थे सेबी के, वो अब चेयरमैन बन जाएंगे, या क्या कह सकते हैं, चेयर करेंगे इस SMAC का, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का। वैसे सेबी के हेड चेयरमैन का नाम क्या है, माधवी पुरी बक। जी महालिंगम, साइंटिस्ट फ्रॉम नासा हु रिसेंटली रिसीव वर्ल्ड फूड प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, जो कि क्लाइमेट चेंज एंड फूड प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, और ये प्राइज मिला है सिंथिया रोजविंग को, सिंथिया रोजविंग, जो कि अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है। यस विकी, बिल्कुल सही, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, अजय त्यागी के बाद इन्होंने पोस्ट को एज्यूम किया था सेबी के चेयरमैन के रूप में। अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट सिंथिया रोजविंग जो हैं,
ये नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पाए हैं। ये नोबेल प्राइज कहा जाता है ये 1986 से मिलना शुरू हुआ है सर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर के एक बड़े से व्यक्ति हैं, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं वर्ल्ड वाइड, नॉर्मन बोरलॉग, सर नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में इनके नाम से प्राइज भी दिया जाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है। तो इन्होंने सर नॉर्मन बोरलॉग जो है नोबेल पीस प्राइज माने विनर भी रहे हैं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए ये प्राइज दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज बोल के, जो इस साल मिला है सिंथिया रोजविंग को, जो कि नासा के एक साइंटिस्ट है जो कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन नेशन वन राशन कार्ड ये स्कीम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेम द डिपार्टमेंट दैट रिसेंटली ओन पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सीलेंस अवार्ड तो है किसके लिए है? वेरी गुड, प्रणाम पूजा, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और आंसर करिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इनोवेशन सेंट्रल कैटेगरी में किस डिपार्टमेंट ने ये किया है? सो ऑब्वियसली इट इज अंडर राशन, का मतलब कहाँ पे मिलेगा, जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगा वहीं पे मिलेगा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है, हमेशा याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आप कर पाए जरूरी नहीं है जनरल अवेयरनेस जीए सेक्शन में, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक हम जरूर चले जाएंगे। ठीक है, सब कुछ याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कॉमन सेंस से भी आंसर करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा अब, हाँ ये जरूर इम्पोर्टेंट होगा। विच कंपनी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच $100 बिलियन रेवेन्यू, जो कि फिनेंशियल ईयर 2022 के लिए है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 5G टेक्नोलॉजीज में भी रिलायंस को ही मिला है, जियो भी है, मैंने हर जगह यही होगा। नहीं, मैं PDF नहीं दे सकता आपको, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यूनियन सिटी यूनियन बैंक 2 साल के लिए अपॉइंट चेयरमैन हुए हैं एम नारायणन, जो कि सिटी यूनियन बैंक के हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, मेन न्यू इलेक्ट्रल मैप जो कि जम्मू कश्मीर में रिलीज किया गया है, टोटल कितने सीट्स हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए? तो याद रखिएगा ये जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए अलग अलग होगा, टोटल अगर मिला के कहेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में पहले ये अर्लियर यही था 87 था, अभी 3 बढ़ा के सॉरी 83 था, 83 ऑप्शन में नहीं है, 83 7 बढ़ा के 90 किया गया है। तो 90 में अभी क्या होंगे, जम्मू के लिए होंगे कौन, जम्मू के लिए होंगे टोटल 43 और कश्मीर के लिए होंगे, क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, आई एम वेरी सॉरी, हाँ जम्मू के लिए 43 एंड कश्मीर के लिए होगा, बाकी रिमेनिंग अगर देख लेंगे तो कितना आ जाएगा 47। तब जाके ये 90 हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 43 47, यस 90, वेरी गुड। सो टोटल सीट जो हैं क्रिएट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, ये किसने किया है अगर कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि रंजन प्रकाश देसाई हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई। बिल्कुल सही, 90, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए ये भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं,
दिल्ली मेरठ का जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मैंने एक तरह से हाई स्पीड रेलवे रूट, बुलेट ट्रेन अभी तक तो नहीं चालू हुआ, लेकिन ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट स्पीड वाला रेलवे ट्रैक है जो किस कंपनी ने रिसेंटली फर्स्ट, इसको सेमी हाई स्पीड कहेंगे, सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन जो कि दिल्ली मेरठ के रूट में चलेगा, किस कंपनी ने इसे फर्स्ट फेज में करने का काम किया है, जो कि लगभग 82.5 किलोमीटर का जो रूट है, 82.5 किलोमीटर का जो रूट है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यहाँ पे दिया है दिल्ली मेरठ भाया गाजियाबाद, ठीक है। एल्स्ट्रॉम, एल्स्ट्रॉम क्या है, एक कंपनी है जो कि ग्लोबल लीडर है स्मार्ट एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी का काम करता है, एक मैंने कंपनी है और ग्लोबल लीडर, अ ग्लोबल लीडर इन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी। अच्छा, इसका रूट क्या होगा, हैदराबाद, जैसे ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है एल्स्ट्रॉम, हैदराबाद बेस्ड, इसका रूट है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, और इसका स्पीड कितना है, सेमी स्पीड, मैंने सेमी हाई स्पीड का मतलब यहाँ पे है 180 किलोमीटर पर आवर एल्स्ट्रॉम। अच्छा, BEL रांझनी जो कह रहे हैं, BEL अभी रत्न अवार्ड एक मिला है, मैंने रक्षा निर्यात रत्न मिला है BEL को, ठीक है, लेकिन ये आंसर एल्स्ट्रॉम होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि ये रिड्यूस करेगी ट्रैवल टाइम ही 40% लगभग, 40% ट्रैवल टाइम रिड्यूस करेगी। सीधा सीधा बात है कि अगर एक घंटे में जो जा सकते हैं वो 40% उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू मेरकॉम सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर डैश बिकम फर्स्ट स्टेट टू डेवलप 10 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन, ये किस स्टेट की बात हो रही है, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। देखिए, राजस्थान ऐसे भी न्यूज में है, अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फर्स्ट ट्रैक वे में जो भी जुडिशियल जो ऑर्डर्स हैं वो इजीली मैंने रिजॉल्व कर देंगे। राजस्थान में ये भी है, सोलर पावर भी है 10 गीगावाट का सोलर पावर जनरेशन, जो कि फर्स्ट स्टेट ऐसा हुआ है जो 10 गीगावाट तक सोलर पावर जनरेट कर पा रहा है राजस्थान। और भी एक न्यूज़ हम लोग राजस्थान से देख सकते हैं, चलिए आगे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, मैं एक जीस्ट आपको दूंगा उसमें से कवर कर लेते हैं। सेबी एक एडवाइज, एक चेयर कमिटी और देखिए है ये, इसका नाम है ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, क्या है ये, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एन एडवाइजरी कमिटी ऑन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, जो कि कमिटी के चेयरमैन होंगे इनमें से नवनीत मुनोत होंगे। ये कौन है नवनीत मुनोत, ये CEO है HDFC म्यूचुअल फंड के, CEO ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। नवनीत मुनोत रोमानियन रोनाल्ड बुक प्राइज, जो कि ट्रांसलेट किया है, एक बंगाली नाम है तिरंजन चक्रवर्ती, मई में 5th रोमानियन रोनाल्ड बुक प्राइज है ये, काफ़ी ऑनरेबल प्राइज है ये, अभी बंगाली ट्रांसलेशन जो है कि फ्रेंच नोवेल से किया गया है, द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाई तिरंजन चक्रवर्ती।
त्रिरंजन चक्रवर्ती। ये फिफ्थ रोमानियन बुक प्राइज है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज इज लोकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये न्यूज में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था पहले एक ब्रिज के बारे में, वैसे ही अभी लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हुआ है वियतनाम में। वियतनाम में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ये है, जिसका नाम व्हाइट ड्रैगन रखा गया है। व्हाइट ड्रैगन इसका लेंथ अगर देखेंगे तो 632 मीटर का है लॉन्ग, और 150 मीटर ऊपर है, 150 मीटर अबव जंगल। इसके पहले एक रिकॉर्ड था ये 526 मीटर का ग्लास बॉटम ब्रिज का, जो कि चाइना में था, उसको सरपास कर गया है ये। चाइना का अभी तक का सबसे बड़ा था 526 मीटर लॉन्ग, उससे ये बड़ा है जो कि वियतनाम का है, ये ध्यान रखिएगा। LIC IPO was subscribed 2.95 times for the final day offer sale. और IPO से हो सकता है, projected है कि एक question आपसे पूछे, तो इसको ध्यान रखिएगा। 21,000 करोड़ government का इसमें लगा है, ये data बहुत important है, और 3.5% है initial public offering। LIC India's biggest initial public offering, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा अगर कहीं आपको प्राइस भी पूछ ले इक्विटी का, तो शेयर प्राइस जो था पर इक्विटी था 902 to 949, ठीक है, जिसमें 60 रुपीज का डिस्काउंट एक था और 45 रुपीज़ का एक डिस्काउंट था। 60 रुपीज़ का डिस्काउंट किसके लिए था, जो पॉलिसी होल्डर्स थे उनके लिए था, ठीक है, जानते हम लोग सभी है, बस याद रखना है। 45 किसके लिए था, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं। पुलिट्ज़र प्राइस जनरली किसमें मिलता है, पुलिट्जर प्राइज मिलता है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में, मेनली जर्नलिज्म में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हें COVID-19 के लिए अवार्ड दिया गया है, और इसमें तो एक जन ने अपनी जान भी गंवा दी है, ठीक है, जिसमें दानिश जो हैं ये अभी पोस्थमसली इनको मिला है। बाकी लोग कौन हैं, सब इंडिया से ही हैं, अदनान, सना, अमित, ऑल ऑफ द अबव। सो ये विनर्स हैं पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म के, जो कि 4 इंडियन लोग हैं, अदनान, सना, अमित और दानिश, जो कि इस अवार्ड को जीते हैं। इनका थीम मेनली था कि फोटोग्राफी कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है, COVID-19 के टाइम में बहुत ही मुश्किल तरीके से इन्होंने जर्नलिज्म का काम किया है। इवन दानिश लेट या पोस्थमसली ये प्राइस जीते हैं, पुलिट्जर प्राइस 2022। ये क्वेश्चन आपके लिए 100% आएगा। द एरोस्पेस कंपनी फ्रॉम बेंगलुरु वॉज रिसेंटली टेस्टेड फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम, ये किस सैटेलाइट की बात हो रही है, ये है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस की, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस।
ये बेंगलुरु बेस्ड है। याद रखिएगा ध्रुव और दिगंत बोल के स्टार्टअप्स हुए हैं इसरो के। ध्रुव पिक्सेल भी न्यूज में था, बट बेलाट्रिक्स इसका आंसर है, जो कि ये एरोस्पेस कंपनी है बेंगलुरु से, जो फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम सैटेलाइट्स में लगाएगा। बेंगलुरु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो को कौन ज्वाइन करने जा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 2+28 देश थे, यानी 30 देश थे ऑलरेडी, नया देश कौन जुड़ रहा है, जो कि साउथ कोरिया होगा। पढ़ लेते हैं क्या है। साउथ कोरिया बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो नाटो ज्वाइन करने जा रहा है साउथ कोरिया। अभी रिसेंटली ये 32 मेंबर्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें नाटो में तो 30 ही हैं। अच्छा, नाटो सीसी कोड में टोटल मेंबर अभी 32 हो जाएंगे, जिसमें 27 मेंबर्स नाटो के हैं और नॉन मेंबर्स 5 हैं, 5 नॉन नाटो मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। विच कंट्री वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। ये किस कंट्री के, मैंने कौन से कंट्री होस्ट करेगा 2022 से लेकर 2024 तक। सो इंडिया, इंडिया अभी G20 भी समिट को होस्ट करेगा, और वैसे ही एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज को भी 22 से 24 तक होस्ट करेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस। विच कंट्री रिसेंटली रिप्लेस्ड रशिया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल वाया वोटिंग। मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि चेक रिपब्लिक जैसा कंट्री भी रशिया के अगेंस्ट वोटिंग दिया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में ये मीटिंग होता है, तो उसमें जो वोटिंग हुआ था उसमें चेक रिपब्लिक रिप्लेस किया है रशिया को। चेक रिपब्लिक, वेरी गुड। नहीं, मोल्डोवा नहीं होगा, चेक रिपब्लिक है। ये उतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड $8 लाख टू एक्सपैंड यूज ऑफ विच लैंग्वेज एट द यूनाइटेड नेशंस। वैसे प्रमोट किया गया है हिंदी को भी, उर्दू को भी और बंगाली को भी। लेकिन जो इतना ज़्यादा खर्च हुआ है वो हिंदी के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $8 लाख यूनाइटेड नेशंस के हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जो कि इंडिया के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के लिए, उन्होंने हिंदी एट द रेट यूएन प्रोजेक्ट के लिए ये फंड दिया है। हिंदी
बस आप याद रखिएगा हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है। रनिल विक्रमा सिन्हे पीएम बन गए थे। अभी हालांकि रनिल विक्रमा सिन्हे क्या हो गए, इसका आंसर तो तब के लिए रनिल विक्रमा सिन्हे था, बट अभी के टाइम में ये पीएम से प्रेसिडेंट बन गए। और जो पीएम बने हैं वो गुणवर्धने बने हैं, दानिश गुणवर्धने। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन का भी गलती क्या होगा, आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन पुराना पूछ ले। अब यही आपसे दिक्कत होता है कभी कभी। रनिल विक्रमसिन्हे पीएम तब के लिए थे, ठीक है, अभी भले ही प्रेसिडेंट बन गए हैं तो हो सकता है पुराना नाम भी आपसे पूछ सकता है, समझ के आंसर करके आइएगा, ठीक है। नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। सीईओ एमडी एयर इंडिया कैंपबेल विल्सन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंपबेल विल्सन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा की ही एक कंपनी है, इसमें कैंपबेल विल्सन सीईओ एमडी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं। ये ऑलरेडी इसके पहले सिंगापुर अलायंस में थे। इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड द फर्स्ट एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये किस एयरक्राफ्ट से होगा? तो सुखोई 30 MKI से होगा। सुखोई फर्स्ट एवर जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, ठीक है, फाइटर जेट सुखोई से ये लॉन्च किया जा सकता है। इसका रेंज अगर देखा जाए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, 350 किलोमीटर लगभग रेंज है। और इसका स्पीड करीब 2.8 मैक है, इसीलिए सुपरसोनिक कहा जा रहा है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2.8 का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 3 टाइम्स है ये, 3 टाइम्स ऑफ साउंड। अच्छा, वियतनाम का तो वो एक था, एक स्काई ब्रिज भी याद रखिएगा है, स्काई ब्रिज, एक ग्लास ब्रिज था, ये स्काई ब्रिज 721 करके है, ये चेक रिपब्लिक का है। वियतनाम वाला अलग, ये वाला अलग। अच्छा, फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदा है, गुड, चेक रिपब्लिक। ये सस्पेंशन फुट ब्रिज होगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज, चेक रिपब्लिक, ये टूरिस्टों के लिए ही किया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट मेड रिक्वायरमेंट फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन और आधार नंबर मैंडेटरी फॉर डिपॉजिट्स और विथड्रॉ ऑफ रुपीज डैश और मोर इन फिस्कल ईयर। ये होगा 20 lakhs। टाइम मैगजीन में भी दिया है एग्जैक्टली। हाँ, ट्वेंटी लैक्स।
नेम द पर्सनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन. नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली टॉप्ड द फोर्ब्स टॉप 10 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट. हाईएस्ट पेड एथलीट कौन हुए हैं, जो कि फुटबॉल प्लेयर अर्जेंटीना से हैं, लियान मेसी. फुटबॉल फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम अर्जेंटीना. लियोन मेसी. Yes. Who recently become the CM of Tripura after resignation of Biplab Kumar Deb? Biplab Kumar Deb. इनके इस्तीफा लेने के बाद मानिक साहा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं. मानिक साहा. बीजेपी से हैं त्रिपुरा के लिए CM. और यहाँ की जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य. सत्य नारायण आर्य गवर्नर. ट्वेंटी फिफ्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. राजीव कुमार. चीफ इलेक्शन कमिश्नर. शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ये रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के लिए? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ये एक्चुअली रूलर थे अबू धाबी के, वो अभी प्रेसिडेंट वहां पे बने हैं. इसके पहले शेख खलीफा बिन अल नहान थे. आप सोचेंगे ये तो यही नाम पहले भी थे, वो शेख मोहम्मद नहीं थे, शेख खलीफा बिन जायद अल नहान थे. खलीफा बिन जायद अल नहान थे, उन्हें रिप्लेस किए हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान. ठीक है, यूएई, इस नाम को ध्यान रखिएगा. ये एक सेंचुरी है रामगढ़, विषधारी सेंचुरी. रिसेंटली नोटिफाइड इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व्स. रामगढ़ बीसधारी टाइगर रिजर्व. रिजर्व बिकम द फोर्थ टाइगर रिजर्व इन दिस स्टेट. तो ये राजस्थान में है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक मिटिगेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 36 report, which country retained its position as the top recipient
of remittance globally. Obviously India. हम world के लगभग 12% global remittance रखते हैं और हमारा USA से remittance सबसे ज़्यादा है, second में UAE है. रेमिटांस का मतलब हम लोग जानते हैं, फॉरेन ट्रांसफ़र ऑफ फंड. सबसे ज़्यादा पैसा USA से आता है और UAE से आता है. तो गल्फ कंट्रीज़ अभी रिसेंटली 50% से 30% हो गए हैं किस में? रेमिटांस में. रेमिटांस मीन्स फॉरेन ट्रांसफ़र ऑफ फंड. तो इंडिया टॉप पोजीशन में है वर्ल्ड में, जो कि 12% ग्लोबल रेमिटांस अकेले इंडिया ही लेता है. एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाई ऑर्गेनाइजेशन एक्स माने इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्शन, जो कि OICA नाम से है, इंडिया हैज सरपास जर्मनी. तो किस रैंक पे आ गया है? फोर्थ रैंक पे आ गया. उधर गौतम अदानी भी फोर्थ रैंक पे, इधर इंडिया भी फोर्थ रैंक पे. फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इंडिया है, जिसमें फर्स्ट कौन है? जिसमें फर्स्ट ऑक्यूपाई किया है चाइना, सेकंड USA, थर्ड जापान एंड फोर्थ इंडिया. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं. नेम द बैंक, जो कि 17th माने फोर्थ सेंचुरी हुआ है. एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा ही आपको, चाहे खुशबू लेक आ जाए या कोई नाल सरोवर जो रामसर साइट है वो आ जाए, या कुछ ना कुछ आपको नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको सुनने को मिलेगा. सो नंजरायन टैंक, ये 17th बर्ड सेंचुरी है, ये किस स्टेट में है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका. क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु. तमिलनाडु ज्यादातर लोग किए हैं. बिल्कुल तमिलनाडु. तो स्टेट मिनिस्टर फॉरेस्ट यहाँ के अनाउंस किए हैं ये बर्ड सेंचुरी होगा, 7.5 करोड़ जिसमें खर्च आएंगे. तो और भी कुछ तमिलनाडु में, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे कुछ? नंजरायन टैंक 17th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में. अच्छा, तमिलनाडु में सबसे पहले आप कहेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मुदुमलाई नेशनल पार्क अन्नामलाई, जिसको हम लोग राजीव माने सॉरी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है. सो तमिलनाडु. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों का ही आप देख के जाइएगा, NSE का भी और BSE का भी, दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हुए हैं SS मुंद्रा.
एसएस मुंद्रा, कुछ लोग अपने नाम को याद रखे होंगे, ये डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, एसएस मुंद्रा। फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, एसएस मुंद्रा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कमेंट में बताइएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन मैंने चेयरमैन हुए हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चेयरमैन। आशीष कुमार चौहान, तो यहाँ पे याद रखिएगा यही नाम यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है और ये नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। तो वो है आशीष कुमार चौहान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी इसमें क्या है, ओल्डेस्ट है, और एनएससी क्या है, लार्जेस्ट है। एसएस मुंद्रा। In which city the world's first urban airport for drone and flying cars is located? Flying cars कहाँ मिलेगा? Flying cars, England में, जगह का नाम Coventry, England। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये एक एयरपोर्ट प्लान किया गया है, पॉपअप एयर वन नाम से, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। फ्लाइंग कार ड्रोन्स मैंने फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट होगा, कॉन्वेंट्री इंग्लैंड का है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एमडी मैंने चेयरमैन CMD ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन। रेलटेल हम लोगों ने नाम सुना है, रेल माने तो रेल जानते ही हैं, अब ये टेल क्या है, टेलीकॉम के लिए, तो इसके होंगे अरुण सिंह, अरुण सिंह, जो कि एडिशनल चार्ज लेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन का। अरुण ये DRDO होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टेस्ट फायर किया है फर्स्ट नेवल एंटी शिप मिसाइल। मिसाइल मतलब ही हमारा क्या है, DRDO बालासोर उड़ीसा में फिक्स है, टेस्ट होगा। तो DRDO ने जो रिसेंटली नेवल मैंने नेवल एंटी शिप मिसाइल लॉन्च किया है, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर से हुआ है, तो DRDO ने बनाया है। विच कंट्री प्लान्स टू लॉन्च क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सप्लोरेंट मैंने एक्सो प्लैनेट सर्वे, जिसे CHES कहेंगे, चेस, वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च विथ टेलीस्कोप। ये सब काम चाइना का ही है, चाइना मिट्टी लेके आया मून से, ठीक है, चाइना ने बहुत कुछ किया, स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक है ना, सबको कोविड देके और खुद बहुत ज़्यादा डेवलप किया ये चाइना। तो याद रखिएगा वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च स्पेस टेलीस्कोप के साथ चाइना किया है, मतलब अभी रिसेंटली ये क्या किया था ना, वो सन, आर्टिफिशियल सन बनाया, आर्टिफिशियल मून बनाया, ठीक है, ये सब काम भी चाइना ने किया है इस 2022 में। नेक्स्ट, ग्रीनको ग्रुप इज सेट टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, किस स्टेट का है,
कुरनूल आंध्र प्रदेश। क्या बोलना चाह रहा है ये, ग्रीनको ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मिलकर लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने इसमें स्टोर किया जाएगा लगभग 5230 मेगावाट, लगभग ये 2023 के लास्ट क्वार्टर तक हो जाएगा, बाय 2023 टारगेट। चलिए बहुत अच्छा। हाँ रजनी ने, अच्छा है कि इसमें आप सारे मैंने कंट्रीज का जो फ्लैग है वो दिखाते हैं आप, ठीक है। विच एयरवे रिसेंटली गॉट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन नॉड रिज्यूम कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस आफ्टर बीइंग ग्राउंडेड सिंस 2019। यह है जेट एयरवेज, जेट एयरवेज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, री अपॉइंटेड सीईओ ऑफ पेटीएम, वही एक ही हैं जो इसके फाउंडर रहे हैं सीईओ, विजय शेखर शर्मा, एमडी भी हैं सीईओ भी हैं विजय शेखर शर्मा पेटीएम करें, जो कि 5 साल टेनियर के लिए 2027 तक अपॉइंट हुए हैं, टिल 2027 तक। वेरी गुड, काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हैं आप लोग, बहुत मुझे खुशी है कि आप लोग का इतना अच्छा रिस्पांस है। और मेहनत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों, आप लोग यही चाहेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद रहे, सबका नौकरी हो जाए एमडी सीईओ इंफोसिस के लिए। सलील पारेख, बस छोटा छोटा करके नाम देख लीजिएगा, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। एमडी सीईओ इंफोसिस सलील पारेख, जो कि ये भी 2027 तक रहेंगे। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख सकते हैं। RBI सेटअप 6-member कमिटी टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड इन RBI रेगुलेटेड एंटिटीज। द कमिटी विल बी हेडेड बाय होम, तो ये कमिटी जो देखेंगे ये बिभू प्रसाद कानूनगो, मैंने BP कानूनगो, जो इसके पहले डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे BP कानूनगो। देखिए वेटेज कहेंगे तो 22 से 25 क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं, और क्वेश्चन अगर 30 भी होता है तो स्टैटिक भी क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है, तो एकदम प्रॉपर करंट अफेयर्स 22 से 25, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, और ज़्यादातर आप लोग कर पाएंगे आई होप। और मैंने 6 महीने तक तो देख के हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका जो है ना मैंने 2021 का भी आएगा, इसीलिए 6 मंथ का चाहते थे कि थोड़ा रिवाइज आपको करवा दें, तो आप लोग सहमति देंगे तो हम लोग 6 महीने का करंट अफेयर्स भी आपको करा देंगे, लास्ट जो 2021 का भी है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अच्छा चलिए देखते हैं टाइम मैगजीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन कौन हो गए। भैया गौतम अदानी तो हो ही गए, कब टॉप 4 में आ जाते हैं, कब टॉप 8 में आ जाते हैं, है ना। और एक जन हैं मुकेश अंबानी, तो पहले से ही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कश्मीरी राइट एक्टिविस्ट जो थे वो करुणा नंदी, ये दोनों नाम जो है सुर्खियों में। सो आंसर डी कर लीजिएगा, बोथ 1 और 3। देखिए 1 साल का करंट अफेयर्स तो पूरा करना है, ठीक है, जून टू जून, या जुलाई से लेके जून तक, जुलाई से जुलाई नहीं बोलेंगे, जुलाई से मान लीजिए, ठीक है 2021 के जुलाई से जून तक, 2021 तक। আমি একটু একটা ক্লাসে ছিলাম, আমি আপনাকে পরে না করি 2 মিনিট, আমি 6টা নাগাদ পৌঁছে যাব আপনার কাছে, হ্যাঁ।
বলছি আমি একটু ক্লাসে ছিলাম, আমি 6টা নাগাদ পৌঁছে যাচ্ছি। সো হম লোক লগভগ 6 মহিনে কা লাস্ট ইয়ার কা 2021 আর 6 মহিনে 2022 ইহি করকে যায়গে, ইহি বোলনে কা মেরা মতলব হ্যা, ঠিক হ্যা না? জেসা হোগা দেখতে হ্যাঁ। চলিয়ে নেক্সট আ যাইয়ে, হু ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ আ লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ দিল্লি। সো দিল্লি কে রিসেন্ট যে গভর্নর, ওহা গভর্নর নাই কহেঙ্গে, ওহা ডেপুটি ইয়া লেফটেন্যান্ট গভর্নর কহতে হ্যাঁ, অভি ভি কে সক্সেনা হ্যাঁ, বিনয় কুমার সক্সেনা। और कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। IDBI बैंक के भी मनोहरन, TN मनोहरन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अच्छा आमी जानी बंगाली अभिलाष, ओके अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ मेनली दिल्ली या जो भी यूटीज होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नर नहीं कहते, डिप्टी गवर्नर कहते हैं। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग कितना है? इंडिया का रैंकिंग 54th है और इसमें टॉप किया है जापान। तो दोनों आंसर मैच कर रहा है डी में, जापान टॉप किया है फर्स्ट। अब देख के रखिए, इसमें सेकेंड पोजिशन किसका है? USA का है। और थर्ड पोजीशन किसका है? स्पेन का है। और इंडिया का रैंकिंग कितना है? 54 है। जो कि पहले 2019 का लास्ट डेटा था, 46 रैंक था हमारा। और ये 2021 वाला डेटा है 54। 20 में नहीं हुआ था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, अच्छा इस साल का थीम अगर देखेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म का, जो जान के रख सकते हैं थीम, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर। यस वेरी गुड। रजनी खां जो है वो तो एकदम फ्लैग, एकदम सही, बहुत अच्छा। अच्छा बंगाली पूजा भी जानते हैं, अच्छा गुड गुड गुड, वेरी गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली सरपास्ड एप्पल, जो कि एक बहुत ही बड़ा बने झटका होगा एप्पल के लिए, ठीक है? ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि एप्पल को अब मैंने पीछे छोड़ के आगे चला गया। ये एक ऑयल जाइंट है कह सकते हैं, बहुत बड़ा कंपनी है ये, जो कि नाम है इसका सऊदी का है, ये सऊदी अरमाको, अरमाको ठीक है ना, ये नाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एप्पल जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड था ना, उसको सरपास किया है ये, तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। अरमाको, अरमाको का कैपिटल अगर देखा जाए, मार्केट कैपिटल जो कि ट्रिलियन माने 2.43 ट्रिलियन है, समझ रहे हैं? तो ये काफ़ी बड़ी बात है, हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी है। यस राजेंद्र, सेफ सॉयल आपके इसमें है, आप सॉयल को बचाते भी हैं न कि बस ऐसे ही अपने लोगों रखा है? वैसे बहुत अच्छा मैसेज है, सऊदी अरमाको याद रखेंगे। जहां तक कि एप्पल का जो मैंने अभी रिसेंटली डाउन हो गया है शेयर, ठीक है, उसका वैल्यूएशन 2. जैसे सऊदी अरमाको का 2.43 है, एप्पल का अभी 2.37 ट्रिलियन है। ये बस नंबर गेम है, कोई आगे कोई पीछे। तो सऊदी अरमाको अभी वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो गया है। WHO सबसे कमजोर ग्रुप लगा इस पूरे कोविड में, है ना?
अच्छा, कनेक्टेड टू द नेशन, दैट इज गुड, वेरी गुड राजेंद्र जी. इट इज वेरी नोवेल, क्या बोलेंगे, टारगेट है. सॉइल को सेव करना, रिवर्स को बचाना, जो कि इस पे सदगुरु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. यस, सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है. WHO, मैं इसलिए कमज़ोर और ये कह रहा हूँ कि WHO ने कुछ कर ही नहीं पाए जैसे लगा, है ना. अब चाइना उसमें टॉप लीडर है, ये अलग बात है. तो इनका नाम होगा टेड्रोस अधानम ग्रेब्रेस. तो अधानम से याद रखिएगा, ठीक है, अधानम. यस, नेम द पर्सनैलिटी दैट हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ इंडिगो. अब एयर इंडिया का कैम्बेल विल्सन, तो इंडिगो का भी देख के रखिए, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा. पीटर एल्बर्स. इंडिगो अभी इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर है, क्योंकि अगर आप देखें विजय माल्या का किंगफिशर तो नहीं है, तो इंडिगो जो है लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर अभी हो पाया है. तो CEO इसके बने हैं पीटर एल्बर्स, जो कि रिप्लेस किए हैं रंजय दत्तो को. रंजय दत्तो इसके पहले थे. ये जरूरी नहीं है, बस अभी के नाम प्रेजेंट को ही देख के रखिए. यस, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द थर्ड एडिशन बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है बोंगो सागर 2022 अलोंग विथ इंडिया एट पोर्ट मंगला इन नॉर्थ बे ऑफ बंगाल. पोर्ट मंगला, तो बोंगो सागर नाम से ही समझ में आ रहा है, बोंगो उपसागर. तो बोंगो माने बांग्ला होगा, तो बांग्लादेश है, ठीक है. बे ऑफ बंगाल में इंडिया बांग्लादेश का बायलैटरल एक्सरसाइज. सो इंडियन नेवी की तरफ से और बांग्लादेश नेवी की तरफ से, दोनों. इसके पीछे मेन एम है कि आपस में स्किल को, और मतलब जो अपने टेक्निकल एबिलिटीज़ को एक्सचेंज करना. इसमें इंडिजीनियसली बिल्ट INS कोरा था. इंडिया की तरफ से क्या क्या था ये बता दें. INS कोरा, KOR कोरा, और सुमेधा भी था. INS सुमेधा, बांग्लादेश का फ्लैग. एक क्वेश्चन आप बताइए, तो फ्लैग सभी के रेक्टेंगुलर शेप में है, एक ऐसा फ्लैग है जो रेक्टेंगल में नहीं है, ऐसा कौन से कंट्री का फ्लैग है? विशेष करके क्वेश्चन रजनी के लिए, जो इतना ज़्यादा अच्छा आप फ्लैग दिखा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड. अच्छा, INS कोरा और साथ ही साथ INS सुमेधा भी है. सुमेधा इंडिया की तरफ से, और बांग्लादेश की तरफ से BNS नाम होगा. INS इंडियन नेवल शिप, तो बांग्लादेश नेवल शिप BNS अली हैदर और BNS आशीष का आंसर बहुत अच्छा है, नेपाल. बहुत अच्छा, नेपाल रेक्टेंगुलर में नहीं है. वन एंड ओनली कंट्रीज, मैंने कहेंगे फ्लैग, है ना, जो कि रेक्टेंगल में नहीं है. गुड, BNS अली हैदर एंड BNS अबू उबैद UBAIDH. चलिए, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ यही था. डैज बिकम द फर्स्ट वीमेन कॉम्बैट एविएटर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एविएशन क्रॉप. हेलीकॉप्टर पायलट हैं ये. इनका नाम है, हरियाणा से हैं ये भी, बहुत ही मैंने बड़ी बात है. अभिलाषा बराक, हमारा एक मिसाइल था ना, उसी के नाम से याद रखिएगा, अभिलाषा बराक. ये एक फर्स्ट वीमेन हुई हैं जो इंडियन आर्मी एविएशन क्रॉप के हेलीकॉप्टर पायलट हुई हैं, मात्र 26 साल के उम्र में, हरियाणा से, पहली महिला. यस यस, वेरी गुड, नेपाल. हाँ,
अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है सेल, जो कि 29.58 यानी 30% लगभग सेल, स्टेक सेल होगा, जो 38,000 करोड़ का है, जो कि गवर्नमेंट कर रहा है। ये किस कंपनी का है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सेल कर देगा 30% स्टेक, यानी ये डिसइन्वेस्टमेंट है। योनो, SBI launched the पर्सनल लोन प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है? डैश क्रेडिट फॉर सैलरीड कस्टमर्स ऑन द डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो। इसका नाम होगा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्रेडिट। योनो का पूरा नाम यू नीड ओनली वन। जिसमें लगभग 35 लाख तक का लोन मिल सकता है बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी पेपर वर्क। ठीक है, ऑब्वियसली क्रेडिट जो कस्टमर क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स होंगे उन्हीं के लिए होगा। सुपर कंप्यूटर परम पुरुल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंस्टीट्यूट अंडर फेज 2 नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो कि NIT तिरुचिरापल्ली है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज NIT तिरुचिरापल्ली। ट्विन साइक्लोन, जिसका नाम था साइक्लोन करीम एंड असानी, ओरिजिनेटेड इंडियन ओशन, जो कि मई मंथ में आया था, ये असानी नाम किसने दिया है? सो श्रीलंका ने दिया है करीम एंड असानी। और करीम नाम किसने दिया है? आसानी तो दिया है श्रीलंका ने, और करीम नाम दिया है सीचेल्स ने दिया है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में डेवलप किया था। श्रीलंका का आसानी, और आसान मैंने आसान नहीं है श्रीलंका में अभी रहना, ऐसे भी अब देख ही रहे हैं आसान नहीं है श्रीलंका में रहना, आसानी श्रीलंका, और करीम सीचेल्स का करेंसी वैसे इंडियन करेंसी है, तो करीम याद रखिएगा, करीम चाचा सीचेल्स से पैसे भेजे हैं इंडिया में, तो सीचेल्स ने नाम दिया करीम, और इन मैंने श्रीलंका ने नाम दिया आसानी। यस, बुकर प्राइज जो कि फर्स्ट हिंदी नोवेल को मिला है, जिसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑथर होंगे गीतांजलि श्री। ऐसे भी आपको गीतांजलि नाम याद होगा, नोबेल प्राइज के लिए गीतांजलि को ही ट्रांसलेशन के लिए मिला था, मैंने सॉन्ग्स ऑफरिंग, तो गीतांजलि नाम ऑथर का है यहाँ पे, ठीक है ना, गीतांजलि श्री उनको मिला है, उनका नोवेल का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो गीतांजलि श्री ओन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ट्रांसलेटेड फ्रिक्शन, फर्स्ट हिंदी नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड, एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली महिला हो गई हैं ये गीतांजलि श्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 8 कंट्रीज जो नेबरिंग नेशंस है ना, उन्हीं के घुमा फिरा के नाम देते रहते हैं। एग्जैक्टली, डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ WHO, ये किसने किया है? सो राजस्थान फर्स्ट इंडियन स्टेट हुआ है जो कि हेल्थ अकाउंट्स को मेंटेन किया है, हेल्थ अकाउंट। रिसेंटली अदानी हाइब्रिड एनर्जी ने कमीशन किया है फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड, दोनों एक साथ जनरेशन करेगा, ठीक है, विंड पवन चक्की से और सोलर पैनल से भी हाइब्रिड दोनों होगा, और ये लोकेशन है जैसलमेर राजस्थान, क्योंकि याद रखिएगा वहाँ गर्मी भी है और हवा भी तेज चलता है, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान, जो कि लगभग 390
मेगावाट पावर जनरेट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जॉइंटली, जो कि दो बड़े ग्रुप हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और WHO, बोथ। ऑप्शन ई सही होगा, 2 और 3। WHO एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस फंड एक्चुअली क्या है ना, यूनिसेफ ही है, मैंने ये कोई अलग ग्रुप नहीं है, आप घबराइएगा मत, यूनिसेफ ही है ये, यूनाइटेड नेशंस मैंने यूनिसेफ, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वही है, जॉइंटली लॉन्च किए हैं ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नेट ओथ रिक्वायरमेंट टू सेटअप नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, जिसको BBPOU कहा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक, जो कि रिलीज किए हैं रिसेंटली मई में, तो इसका वैल्यू जो था 25 करोड़ का था, 25 करोड़। RBI ने नॉन बैंक एंटिटीज 25 करोड़ 100 करोड़ से एनकरेज करने के लिए प्लेयर्स को, तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में मेंशन है, वहीं से इन्होंने सेक्शन 18 के अंडर में किया है। तो भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन 25 करोड़ का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बाय सरपासिंग चाइना, कौन सा हो पाया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। तो USA UAE को भी मैंने सरपास कर गया किस मामले में, रेमिटांस के मामले में, और यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर के मामले में चाइना से आगे चला गया कौन, USA, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट हमने बैन भी किया, तो इस वजह से ये काफ़ी सही है, क्योंकि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर अब हमारा USA है, चाइना नहीं। विच कंट्री टॉप 7th एडिशन ऑफ फोर्ब्स अंडर 30 एशिया लिस्ट, जो कि रिलीज हुआ था मई में? इंडिया। जिसमें 22 कंट्रीज जो हैं लिस्ट में है एशिया पैसिफिक रीजन के, इंडिया जिसमें टॉप किया है, कम से कम ये भी देख लेना चाहिए कि इंडिया एशिया लिस्ट में एटलीस्ट टॉप किया है। नेम द इंडियन शिप, जो कि वेस्टर्न फ्लीट ओल्डेस्ट वैरियर है, इट वॉज डीकमिशंड आफ्टर 34 ईयर्स मुंबई में, इसका नाम क्या है? गोमती। अभी रिसेंटली 34 साल इसका भी हो गया, 34 ईयर्स। और एक और है INS सिंध दुर्ग, INS। सिंधु ध्वज ये भी रिसेंटली डिकमीशन किया गया है 35 ईयर्स पे, और 34 ईयर्स पे गोमती। हाँ, इंक्रीज हुआ है 36% फर्स्ट क्वार्टर में, बिल्कुल। लेकिन अभी चाइना के साथ, हाँ देखिए, बोलने का मतलब है कि चाइना के साथ मेजर ट्रेड तो हमने कम किया है, उस सेंस में अगर ओवरऑल कहेंगे तो USA कह रहे थे गोमती, ठीक है ना, 34 ईयर्स। चलिए कुछ वन लाइनर्स आपको फेब्रुअरी मंथ, मैंने मई मंथ का दे देते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा।
इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको देख के रखना है, जैसे कि मे डे, ठीक है, फर्स्ट मे जो होता है लेबर डे है वो जानते हैं हम लोग, बट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी रिसेंटली इसमें कुछ वन लाइनर में क्वेश्चन आपको देता हूँ, फर्स्ट जो है अटल टनल जो है ना, अटल टनल वो न्यूज़ में था, अटल टनल को अभी रिसेंटली क्या मिला है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखना चाह रहा था, प्रोजेक्ट ये इम्पोर्टेंट है, अटल टनल जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको मेंटेन करता है 9.2 किलोमीटर का है। एक्सेलेंट, एकदम इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हम लोग सकेंगे, दैट इज गुड। अच्छा, इस बीच में स्नो लियोपार्ड कि कंजर्वेशन के लिए, स्नो लियोपार्ड जो कि हेमिस का बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हेमिस नेशनल पार्क में जो सबसे मैंने लद्दाख में है, स्नो लियोपार्ड, इसका न्यूज़ क्या था, स्नो लियोपार्ड को लेके था चंद्र मैंने चारुदत्त मिश्रा, उन्हें वाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है इस स्पीसीज के लिए, चारुदत्त मिश्रा। अच्छा, इसमें क्या था, एक थ्रेटेंड स्पीसीज है, कंजर्वेशन ऑफ स्नो लियोपार्ड के लिए वाइटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। तीसरा, जैसे कि फर्स्ट मे को लेके क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, फर्स्ट मे तो आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे है, सब ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा स्टेट ने मैंने ऑब्जर्व किया है स्टेटहुड डे, मैंने इसी तारीख को ही स्टेटहुड डे है किसका, इससे रिलेटेड है तो महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखेंगे ये महाराष्ट्र। अच्छा, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुआ था मई महीने में, सेमीकॉन इंडिया, तो सेमीकॉन से हम लोग तो बोल ही देंगे, समझ में आ ही रहा है, सेमीकॉन सेमीकंडक्टर या आईटी मैंगलुरु है, कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी हम लोग लगाएंगे। हाँ, हिमाचल प्रदेश हुआ है फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, ठीक है, गुड। इसमें और इम्पोर्टेंट बात जो था, एक बुक था, अच्छा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई है जानते हैं, एक योजना था डोरस्टेप डिलीवरी पब्लिक सर्विस को, ये किस स्टेट का था, मुख्यमंत्री मितान योजना नाम से, मुख्यमंत्री ज़्यादातर आपके उड़ीसा स्टेट से ही ज़्यादा देना चाहिए, बट स्कीम्स आसपास के भी दे देते हैं, मितान योजना ये है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जहाँ पे वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम था, वो सब जो है ये छत्तीसगढ़, इसलिए न्यूज़ में रहेगा।
और आपको इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम में तो 150 रैंक हो ही गया, नॉर्वे फर्स्ट हुआ था उसमें। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अलग अलग जगह सब जगह लगभग देखे हैं हम लोग। और एक स्कीम था जीवाला, जो कि जेल, ये नहीं उतना आना चाहिए, महाराष्ट्र का था वो, बस देख के रखिए। जो बोरिया मजुमदार हैं उन्हें अभी रिसेंटली बैन कर दिया गया है, ठीक है ना, 2 सालों के लिए, रिद्धिमान शाह केस के लिए, बोरिया मजुमदार। ये भी एक न्यूज़ है बहुत बड़ा, माने बोरिया मजुमदार वो हैं ऑथर जो कि सचिन की बायोग्राफी को लिखे थे, बोरिया, ठीक है, बोरिया मजुमदार। सचिन का बायोग्राफी था प्लेइंग इट माय वे, बोरिया मजुमदार, तो उन्हें रिसेंटली बैन कर दिया गया है, बोरिया मजुमदार को बीसीसीआई हैज बैंड। फॉर 2 ईयर्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, एक है सतर्क रहें स्वस्थ, मैंने सुरक्षित रहें, ऐसे तो हम लोग सुनते हैं हमेशा, ऑपरेशन सतर्क किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन सतर्क, ये आरपीएफ का एक एफर्ट है। मैंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है ऑपरेशन सतर्क। वैसे गंगा ऑपरेशन जो इंडियंस हैं उन्हें वापस लाने के लिए हुआ था यूक्रेन से, गंगा तो अलग से है, जानते ही हैं। ये प्रियंका मोहिते, इनका न्यूज था, फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब 5 पिक्स, जो कि एवर 8000 मीटर है, प्रियंका मोहिते। ये भी बहुत बड़ा न्यूज है। अच्छा, खेलो इंडिया का जो मैस्कट था धाकड़ ऑफिशियल मैस्कॉट और फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स नवनीत मुनोत तो बोल ही दिए हैं, कोस्टारिका के प्रेसिडेंट रॉड्रिगो चेव्स, प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। यानी आने वाले फ्राइडे को हम लोग जून मंथ कर लेंगे और जुलाई भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जुलाई, जब तक आपको क्वेश्चन लास्ट देख के जाना है वहाँ तक मैंने जुलाई का भी एक सेशन प्लान किया है मंडे को, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग का एक और कमिंग वीक तक हो जाएगा। मंडे में हम लोग जुलाई कर लेंगे, फ्राइडे को अभी हम लोग
जून कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दो दिन और बचेंगे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तीन महीने जो 2021 के भी करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट टारगेटेड है उसको भी कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप लोग का दिन अच्छा हो, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट विशेस आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।